चराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पांव से मेहंदी कि ये पांव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पांव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। दमाची चाय। नमस्ते सावित्री भाभी। नमस्ते। अरे कमला आओ। अब भाभी वो मंगला घर पे ही है, आओ चाय भी तैयार है, लो। अरे नहीं नहीं भाभी, चाय फिर कभी, पहले ही बहुत देर हो गई है। क्यों, कहाँ जा रहे हो? वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाना था, वो मंगला को। मंगला? मंगला को क्या हुआ? भाभी वो स्वास्थ्य केंद्र जाने की क्या जरूरत पड़ गई, अच्छी भली तो हो। घर में लोग घबराए नहीं, इसलिए मैंने किसी को बताया नहीं, मगर मुझे कुछ दिनों से पेट के निचले हिस्से में दर्द महसूस होता है। तुम मुझे कहती, मैं लेके चलता। ये बहन जी को क्यों तकलीफ दी? अरे नहीं नहीं जीजा जी, इसमें तकलीफ की क्या बात, ये तो मेरा रोज का काम है। चले मंगला। नमस्ते जीजा जी। नमस्ते भाभी। बड़े साहब, मैं सोच रही थी कुछ दिनों के लिए शहर चली जाऊं, थोड़ा हवा पानी भी बदल जाएगा और पापा से भी बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई है। हेलो बड़े साहब। ओपी साहब कैसे हैं आप? बड़े साहब हम तो ठीक हैं, आप अपनी सुनाइए। मेरी बात कराइए ना। हाँ ओपी साहब। मिताली बड़े साहब? हाँ मिताली, मिताली बिल्कुल ठीक है। अभी दो मिनट पहले अगर आप फोन करते तो आपकी बात हो जाती। अभी अभी निकली है वो अपनी सैर को, और आप तो जानते हैं कि वो अपनी सेहत का कितना ख्याल रखती है। वो क्या मेरे पास शहर आ सकती है बड़े साहब? नहीं नहीं ओपी साहब, देखिए डॉक्टर ने उसे से आराम करने को कहा है, फिर हम उसे कैसे शहर भेज सकते हैं? देखिए बड़े साहब अगर हाँ मैं मिताली को बोल दूंगा कि आपको फोन कर ले। नमस्ते। हेलो 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 अपने पापा से झूठ क्यों कहा? तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना हम जरूरी नहीं समझते। कह
कम से कम मेरी बात तो करा देते पापा से। क्या पता पापा को कोई जरूरी काम हो। कोई जरूरी काम नहीं है, वो तुम्हें शहर बुलाना चाहते हैं और हम तुम्हें वहां जाने नहीं देना चाहते, बस। लेकिन क्यों? आवाज नीची। डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा है। जाओ अब यहां से, आराम करो। मगर अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। ऐसा तुम्हें लगता है, हमें नहीं। मैं जाना चाहती हूँ, मेरा दम घुटता है यहाँ पर, मुझे जाने दीजिए बस। तुम कब, कहाँ और किस वक्त जाओगी, इसका फैसला हम करेंगे। हम जाओ यहां से। इस नंबर की आउटगोइंग सुविधा अस्थायी रूप से काट दी गई है। तुम्हारे लिए ये फोन भी बाहर जाने वाले हर रास्ते की तरफ बंद कर दिया गया है। मिताली, और तुम्हें क्या तकलीफ है? जी वो पिछले कुछ दिनों से पेट के निचले हिस्से में काफी दर्द है। देखो मंगला, घबराने की कोई बात नहीं है। कुछ और भी कहना चाहती हो मंगला? जी वो मेरे पति पिछले हफ्ते ही शहर से लौटे हैं, तभी से ये तकलीफ भी है। क्या मुझे HIV भी? देखो मंगला, ये तो जांच की रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। मैंने कुछ टेस्ट लिख दिए हैं, ये करवा लीजिए। भाई मंगला दीदी की तारीफ करनी होगी इमरान भाई, मंगला दीदी ने इतने दिन खुद जाकर बच्चों को लाने ले जाने की हिम्मत दिखाई। भाई मंगला जी की तारीफ हम तो क्या, पूरा गांव ही करता है। क्यों? बात तो सही है राजा। अरे नाराज क्यों हो रहे हो वीरू भाई? शबनम और मैं तहे दिल से उनकी इज्जत करते हैं। इज्जत करते हैं? क्या रिपोर्ट आई है डॉक्टर साहब? मंगला, तुम्हारी RTI की रिपोर्ट आ गई है, तुम्हें संक्रमण है। संक्रमण? ये मुझे कैसे हो सकता डॉक्टर साहब? मैंने तो अपने पति के अलावा कभी भी, और मेरी HIV की रिपोर्ट? देखो मंगला, अभी HIV का टेस्ट होना बाकी है। हाँ एक बात जरूर है कि RTI और STI होने से HIV का खतरा बढ़ जाता है। HIV भी एक प्रकार का यौन जनित संक्रमण यानी STI है।
देखो तुम डरो मत, तुम्हें आरटीआई है जिसके लक्षण लगभग एसटीआई जैसे ही होते हैं। आरटीआई शारीरिक साफ सफाई ना रखने की वजह से होता है, जबकि एसटीआई यौन के रास्ते संचारित होता है। मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना डॉक्टर साहब? हाँ हाँ क्यों नहीं, अच्छा किया जो तुमने समय पर यहाँ आकर जांच करवा ली। अक्सर लोग शर्मा शर्मी में डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से संक्रमण और गंभीर हो जाता है। बहुत बार इस संक्रमण की वजह से महिलाओं में पांचपन भी हो जाता है। क्या इस इलाज में बहुत समय लगता है? लगभग 7 से 15 दिन लग जाते हैं ठीक होने में। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ जो तुम्हें यही मिल जाएंगी। हर सरकारी अस्पताल में ये दवाइयाँ मुफ्त मिलती हैं। और हाँ, जितनी जल्दी हो सके तुम्हें अपने पति की जांच भी करवानी होगी। लेकिन उनकी जांच क्यों? क्योंकि ये संक्रमण तुम्हारे पति को भी हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो उनका भी इलाज करना होगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि जब तक तुम पूरी तरह से ठीक ना हो जाओ, शारीरिक संबंध ना ही बनाओ तो अच्छा है। और फिर भी अगर ऐसा होता है तो कॉन्डोम का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए।